देखिए हमारा अमृतसरी लस्सी कितना बढ़िया बना है, ये कितना मलाईदार है। आप सब भी अपने घरों पे ऐसा मलाईदार अमृतसरी लस्सी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे बताए हुए मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, नेहा अनुज की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अमृतसरी लस्सी बना के दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अमृतसरी लस्सी बनाना। पर वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही में लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध का दही जमा लिया है। दही जमाने की विधि हमने हमारे पिछले रेसिपी में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। लस्सी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का ही दही का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम एक स्पून से दही के ऊपर के मलाई को हटाएंगे और इसको एक बाउल में रख लेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें आखिर में गार्निशिंग में करना है। ये हमने सारी मलाई निकाल ली है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं, जिसमें हम ग्राइंडिंग जार में दही को डाल देंगे। हमने आधा किलो दही लिया है, फिर इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई या फ्रेश क्रीम, 5 से 6 आइस क्यूब्स, फिर इसे कवर करेंगे और ग्राइंड करेंगे। इसे अच्छे से चलाना है ताकि ये अच्छे से फिट जाए। इसे बंद करेंगे, ढक्कन को हटाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा लस्सी कितने अच्छे से फिट गया है, इसके ऊपर कितना अच्छा झाग आ गया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसे 2 अलग कप में डालेंगे, इसके ऊपर मलाई डालेंगे। ये वो मलाई है जो कि हमने दही के ऊपर से निकाली थी। बादाम से गार्निश करेंगे। हमारा अमृतसरी लस्सी तैयार है। आप सब भी अपने घर में हमारे इस अमृतसरी मलाईदार लस्सी को जरूर बनाएं, क्योंकि ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, पीने में उतना ही टेस्टी है। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।